अप्लायंस, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों आप देख सकते हैं बिना पावर बिना बिजली दोस्तों रोड पे खड़े रह के एकदम ठंडा चिल्ड और ताजा जूस निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मशीन हमारे पास पड़ी हुई है स्टेनलेस स्टील सी, कहीं पे भी रोड एरिया पे आप इसको चला सकते हो। इसका तार है, चार्जिंग करने के लिए तार भी दिया गया दोस्तों, आप घर पे चार्जिंग कर सकते हो, इसको कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे लॉकिंग व्हील, हम इसका लॉक खोलेंगे आपको चल के बताएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा मूवमेंट कर सकते हो, उसको पूरा चला सकते हो, पूरा फ्रंट साइड है, बैक साइड है, फ्रंट व्यू है, कहीं पे भी चला सकते हो दोस्तों। ये मशीन हमने दोस्तों कोई भी आपका शॉप के बाहर फुटपाथ ये वहां के लिए बनाई है। आपको अगर रोड एरिया पे लिए बनानी है तो हम इसमें व्हील्स ही बड़े लगा देंगे, बड़े हैवी व्हील्स लगा देंगे जो रोड या खंडे पे आप चला सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे वेस्टेज बॉक्स है, जो गन्ने का कचरा जाएगा यहाँ पे वेस्टेज बॉक्स में जाएगा, यहाँ पे बैटरी लगती है। इसके अंदर दो बड़ी बैटरी लगी है, एक बार चार्जिंग करने से 12 घंटे का बैकअप मिलता है दोस्तों। ये यहाँ पे आगे का फ्रंट लुक है, आगे का लुक है जहां से आपको जूस निकाल के देना है। मैं आपको इसको घुमा के बता देता हूँ दोस्तों पूरी मशीन को। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे इसका टायर। यहाँ पे दोस्तों मेंटेनेंस मशीन करने के लिए यहाँ पे बॉक्स दिया गया, और यहाँ पे गन्ने का स्टोरेज है। जो गन्ना आप लेके जा रहे हो यहाँ से 50-100-150 किलो गन्ना यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। ठंडा और चिल्ड जूस कैसे निकलता है, ये टैंक हमने दिया दोस्तों। इसके अंदर हमने आइस डाला हुआ है, देख सकते हैं आप, थोड़ा व्यू करके बताइए। ये आप देख सकते हैं इसमें आइस डाला हुआ है हमने, और जो पाइपिंग है उसमें से गन्ना का जूस बाईपास होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे पाइपिंग हमने दिया गया, यहाँ से गन्ने का जूस पूरा बाईपास होके ये बर्फ का जो टेम्परेचर है इसे ठंडा और चिल्ड होके आएगा बिना बर्फ बिना पानी के दोस्तों। और यहाँ पे हमने एक ऑरेंज मौसम्बी का जूसर डाल दिया है। अगर आपको एक्स्ट्रा बिजनेस करना है तो ऑरेंज मौसम्बी का भी जूस निकाल के ऊपर से आइस का पीसीस डाल के भी कस्टमर को आप पिला के दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों मशीन के अंदर हम ऑपरेट करके बता दे दोस्तों। इसमें यहाँ से हम सबसे पहले स्टोरेज में से गन्ना लेंगे, स्टोरेज बॉक्स को ओपन करेंगे हम। स्टोरेज बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ से हम दो गन्ने लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास गन्ना हाथ में है। यहाँ पे मशीन का स्विच दिया गया, मशीन का स्विच स्टार्ट करने से मशीन स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मशीन का स्विच स्टार्ट करेंगे, मशीन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ये मशीन अपनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें शुगर केन का स्टिक लगाएंगे, और वन टाइम में कितना परसेंट क्रशिंग होता है ये भी हम आपको वीडियो के आखिरी में अंत में दिखाएंगे कि इसका जो वेस्टेज पीछे गिरा है वो कितना परसेंट मशीन के अंदर क्रश हुआ है। एक गन्ना डाला है हमने, एकदम फ्रेश ताजा लाइव जूस निकलेगा दोस्तों गन्ने का इसमें से। एक गन्ना डाला है हमने, अभी हम दूसरा भी गन्ना डालेंगे इसमें। ये पूरा अभी बैटरी से चल रहा है, ये प्लग ऑलरेडी हमने दिया नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्लग बाहर है, ये जब आपका बैटरी खत्म हो जाता है तब आप इसको चार्जिंग कर सकते हो इसको। अभी हम इसमें से यहाँ से फ्रेश ताजा और गन्ने का जूस निकालेंगे। आप इसका कलर देखना, इसका चिलिंग देखना, और इसका टेम्परेचर देखना कि कितना टेम्परेचर का चिलिंग से जूस निकल रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ये जूस निकाल दिया हमने, दूसरा हम ग्लास निकालेंगे इसमें से। एकदम फ्रेश क्लीन ताजा और ठंडा। अगर चिलिंग का आपको आइडिया देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नोजल में, ये नोजल पूरा चिलिंग हो चुका है। देख सकते हैं कितना ठंडा और चिल्ड हो चुका है, यहाँ पे छार जम चुका है। आप देखिए आप वीडियो में हम आपको यहाँ पे छार दिखा सकते हैं, ग्लास को टच करके तो नहीं शो कर सकते दोस्तों। एकदम फ्रेश ताजा क्लीन गन्ने का जूस निकल के तैयार है दोस्तों। एक ग्लास जूस बनाने का खर्चा 3 से 3.5 रुपए में गिरेगा, 20 रुपए में मिनिमम सेल होगा। बिना बर्फ बिना पानी डाले हुआ एकदम फ्रेश ताजा हाइजेनिक क्लीन जूस दोस्तों। बिना हाथ टच किया, 3-3 बार घुमाने का, 4-4 बार घुमाने का, ऐसा कोई भी चीज इसके नहीं है दोस्तों। एक ही बार गन्ना डाला और आपके सामने फ्रेश गन्ने का जूस हमने निकाल के दिया है। अभी दोस्तों इसका जो वेस्टेज है, इसका कचरा जो रहता है पीछे की तरफ जो कचरा रहता है, इसका मैं आपको ट्रॉली घुमा के बताता हूँ दोस्तों। इसका कचरा वेस्टेज कितना परसेंट क्रश हो चुका है। इसका हम टायर को लॉक खोल देंगे यहाँ से, अब ट्रॉली को थोड़ा घुमा देंगे यहाँ से। ये आप देख सकते हैं ट्रॉली को पूरा हमने घुमा दिया, इसका आपको दिखाने के लिए हमने ट्रॉली को पूरा मूवमेंट किया, यहाँ पे लॉक कर देंगे। यहाँ पे इसका वेस्टेज बॉक्स है, जो कचरा फंसता है इसका बॉक्स, इसको हम खोलेंगे। ये आप देखिए एकदम चूरा, वन टाइम में 97% क्रश का चूरा कर दिया, एक बूंद जूस नहीं है इसके अंदर दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा एक बूंद इसके अंदर, कोई भी नहीं बता सकता कि एक बूंद जूस है। पूरा चूरा करके वन टाइम में एक ही बार में 97% क्रश कर दिया इसके अंदर दोस्तों। तो दोस्तों बेहतरीन मशीन है, इस तरह की मशीन
कोई भी एरिया में, अपने लोकल एरिया में आपने जूस बहुत सारा पिया होगा, लेकिन इस तरह का हाइजेनिक क्लीन और फ्रेश जूस नहीं पिया होगा कहीं पे दोस्तों, और अपने कस्टमर ने भी नहीं पिया होगा। आप इस मशीन लगा के दोस्तों रोजाना आपकी ईरन और प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट करा करके बिजनेस कर सकते हो। 3 रुपए का ग्लास बनाए, 20 रुपए में बेचे। मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे में 200 ग्लास, 200 ग्लास 200 ml का 1 घंटे में। 5 घंटा भी अगर आप काम करते हो दोस्तों तो रोजाना दोस्तों 1000 से 1200 ग्लास का सेलिंग कर सकते हो दोस्तों, ये बिजनेस करके दोस्तों। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन, या तो इससे अलग मॉडल चाहिए, खाली आपको मशीन चाहिए चिलिंग वाला नहीं चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक मॉडल चाहिए तो भी अवेलेबल है। मोर देन 20 मॉडल्स अवेलेबल है हमारे पास। शुगर कैन मशीन काट में भी है और नॉर्मल शुगर कैन मशीन भी अवेलेबल है। तो इस तरह की मशीन की ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करके मशीन की डिटेल्स, प्राइस क्या है, ऑफर क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे आएगी, कितने दिन में मैन्युफैक्चर होगी, ऑर्डर देने के बाद तैयार कितने दिन में होती है, हर एक जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।